नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं भद्रा के बारे में। भद्रा कौन है, कितने समय के लिए आती है, भद्रा किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी पत्नी है और भद्रा को किसका श्राप लगा था, ये सारी बातें आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर भद्रा के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है, वो सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व होता है और पंचांग के पांच अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये जो करण है वो टोटल 11 होते हैं और इन 11 करण के अंदर एक करण आता है विष्टिकरण। इस विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि सूर्य और छाया का जो दो बच्चे थे, एक है शनि और एक है भद्रा। फिर से कहूंगा, सूर्य और उसकी पत्नी छाया, इनके दो बच्चे थे, उसमें बड़ा वाला था शनि, छोटी वाली थी भद्रा। और ये जो भद्रा है ये शनि की तरह ही गुस्से वाली और कड़क स्वभाव की थी, एकदम तामसी थी, इसलिए उसको तापी भी कहा जाता है। और इसे ब्रह्मा जी का श्राप लगा था क्योंकि वो बहुत ही तकलीफ लोगों को देती थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था। और हम एक स्टेप अंदर जाते हैं, भद्रा 12 घंटे के लिए आती है। क्यों? क्योंकि एक तिथि के अंदर दो करण आते हैं, तो दो करण यानी एक तिथि होती है 12 घंटे की और दो करण होते हैं 12-12 घंटे के, इसीलिए जो भद्रा होता है वो भी 12 घंटे के लिए ही आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि हम कैसे जाने कि भद्रा कौन से लोक में निवास करती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भद्रा स्वर्ग लोक में भी निवास करती है, पृथ्वी लोक में भी निवास करती है, पाताल लोक में भी निवास करती है। ये कैसे जाना जाता है, तो उसके लिए गोचर के अंदर हमें राशि को देखना होता है कि कौन सी राशि चल रही है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि भद्रा कौन से लोक में निवास करती है, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। जब गोचर के अंदर यानी कि जिस दिन आप भद्रा हो उस दिन की बात कर रहा हूं, यानी गोचर, गोचर में चंद्र मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि का हो, तो समझ जाना चाहिए कि भद्रा स्वर्ग लोक में निवास करती है, जिसे शुभ माना गया है। उसके बाद गोचर के अंदर जब चंद्र कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का हो, तो समझ जाना चाहिए कि भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास कर रही है, यानी कि पाप लोक में निवास करती है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। उसके बाद आते हैं, जब गोचर के अंदर चंद्र कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में हो, तो समझ जाना चाहिए कि भद्रा पाताल लोक में निवास कर रही है। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं। जब भद्रा स्वर्ग लोक में निवास करती हो, फिर से कहूंगा, भद्रा जब स्वर्ग लोक में निवास करती हो तो उसे शुभ माना गया है, भद्रा जब पाताल लोक में निवास करती हो तो भी उसे शुभ माना गया है, लेकिन भद्रा जब पाप लोक में हो, पृथ्वी लोक में हो, तो उसे बहुत ही अशुभ माना गया है। अर्थात जिस दिन गोचर के अंदर चंद्र कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में हो और उस दिन गोचर के अंदर विष्टिकरण यानी कि भद्रा आता हो, तो उसे बड़ा अशुभ माना गया है। इसी बार आपने काफी बार आपने सुना होगा कि भाई भद्रा है इस समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा काफी बार आपने सुना होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति का जन्म मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि का हो और उसकी कुंडली के अंदर विष्टिकरण में जन्म हो, तो वो लोग कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं।
अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, लोगों को सुख दुख में मदद करने वाले होते हैं। और अगर ऐसे लोग कोई देवी देवता की उपासना करे, मंत्र सिद्धि करे, तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा दूसरों का दर्द और तकलीफें दूर कर सकते हैं। अभी आते हैं दूसरे पे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जिसकी जन्म की राशि कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि हो, यानी कि उसका जन्म कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में हो, और अगर उसका भद्रा यानी कि उसका विष्टिकरण में जन्म हो, तो उसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वो लोग आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं और उन्हें रिश्तों के अंदर भी यश प्राप्त नहीं होता। उनके घर के अंदर भी कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि उनके स्वभाव में भी बहुत ही जिद, हट, गुस्सा होता है, जिससे लोग उससे थोड़े दूर रहते हैं। और उनके हर काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी रुकावटें, अड़चने आती है और उन्हें यश प्राप्त नहीं होता। अभी हम लोग जानेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसका जन्म कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में हो, अर्थात उसकी चंद्र राशि कन्या, तुला, धनु, मकर हो, और अगर उसका विष्टिकरण में जन्म हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति बचपन में संघर्ष में जीवन जीते हैं, यानी गरीबी में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही 24 साल उनके बीत जाते हैं, जैसे जैसे साल जाते हैं, वैसे वैसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और 50 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जमीन से निकलने वाली चीजों का व्यापार करना चाहिए, अर्थात खनिज पदार्थ का व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्माओं को मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं, उनका आदर सत्कार करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से भी दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जब पृथ्वी लोक पे यानी कि पाप लोक में जब भद्रा निवास करती हो, तो उसके अंदर तिथि का कैसे गिनती किया जाता है, तो तिथि को भी इन्वॉल्व किया गया है, वो ध्यान से सुनना। फिर से कहूंगा, जब भद्रा पृथ्वी लोक में निवास करती है, अर्थात कि जब चंद्र गोचर के अंदर, जब चंद्र गोचर के अंदर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि का हो, तो हम समझ जाते हैं कि भद्रा पृथ्वी लोक पे है, पाप लोक में है, उस समय की बातें चल रही है। अगर उस समय शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी हो और कृष्ण पक्ष की तृतीया या दशमी हो, तो उन दिनों में दिन में शुभ माना गया है भद्रा को और रात्रि के समय भद्रा को अशुभ माना गया है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा हो या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी हो, तो उन दिनों में जो भद्रा होता है रात में शुभ मानी गई है और दिन को अशुभ मानी गई है। अभी हम लोग जानेंगे कि जब भद्रा पृथ्वी पे हो, पाप लोक में हो, तो कौन कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए। फिर से कहूंगा, भद्रा जब पाप लोक में हो, पृथ्वी लोक में हो, तो गलती से भी कौन से काम नहीं करने चाहिए वो मैं बताना चाहता हूं। तो सुनिए, सगाई और विवाह जैसे मांगलिक कार्य गलती से भी ना करें। देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ गलती से भी ना करें। ऑनलाइन एग्जाम गलती से भी नहीं देनी चाहिए। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, नई गाड़ी की खरीदी नहीं करनी चाहिए। नया घर, नया दुकान, नई फैक्ट्री का ओपनिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी, घर, दुकान, मकान की प्रॉपर्टी का जो खरीदी का जो एग्रीमेंट होता है, वो नहीं करना चाहिए। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई डिलीवरी वाली लेडीज हो और उसको सीजरियन ऑपरेशन करना हो, तो भी क्लियर कट ना बोल देना चाहिए, वरना उसके उसका बच्चा पैदा होते उसकी पूजा पाठ करने को कहा जाता है। विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का आरंभ न करें। मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करें। किसी बच्चे का नामकरण न करें। तो कोई भी प्रकार का शुभ कार्य आपको भद्रा के समय में नहीं करना चाहिए। जब भद्रा पृथ्वी लोक पे हो, पाप लोक में हो, तो बिल्कुल ये काम नहीं करने चाहिए।
अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि भद्रा टोटल 12 घंटे के लिए होती है। उस 12 घंटे के अंदर भी उसके चार हिस्से डिवाइड किए गए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 12 घंटे के अंदर जो पहली 5 घटी है वो भद्रा के मुख में होती है, और उस समय कोई भी कार्य किया जाए तो उस कार्य का नाश होता है, यानी कि उस कार्य के अंदर बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर 12 घंटे के अंदर जो 5 घटी बीत जाने के बाद उसके बाद की जो 2 घटी होती है उस समय भद्रा के कंठ में होता, भद्रा कंठ में आती है, तो उस समय अगर कोई भी कार्य किया जाए तो धन का नाश होता है, यानी कोई भी प्रकार का व्यापार किया जाए, कोई भी चीज की खरीदी की जाए, किसी को पैसे दिए जाए तो डूब जाते हैं। उसके बाद जो 12 घंटे के अंदर जो 7 घटी हो जाने के बाद जो 11 घटी आती है उस समय भद्रा हृदय में निवास करती है, तो ऐसे समय पे कोई भी कार्य किया जाए तो वाहन अकस्मात हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, किसी से मारामारी हो सकती है, अंग भंग हो सकता है, तो ये बड़ी खतरनाक है। और आखिरी में जो 4 घटी है जब भद्रा पूछ में निवास करती है तो उस समय अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसे सिद्धि प्रदान होती है, विजय प्राप्त होता है। अभी मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म विष्टिकरण में हुआ है अर्थात भद्रा में हुआ है तो उसकी पूजा पाठ भी करने को कहा जाता है, तो उसकी पूजा पाठ कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, हमें किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि भाई विष्टिकरण कब आ रहा है। जिस दिन विष्टिकरण आता हो उसी दिन विष्टिकरण की शांति पूजा करनी चाहिए अर्थात भद्रा की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, विष्टिकरण की शांति गलती से भी घर में नहीं करनी चाहिए, घर से 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए, और वो मंदिर भी शिव जी का हो, महाकाली का हो, दुर्गा का हो, अंबिका का हो तो ज्यादा अच्छा माना गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन विष्टिकरण हो उस दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को लेकर 10-15 किलोमीटर दूर किसी शिवजी या दुर्गा माता के मंदिर में जाके ये पूजा करनी चाहिए। जब पूजा शुरू होती है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, गौ मुख प्रसव शांति, यानी कि गाय के मुख से दोबारा जन्म लेना, गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, प्रसव यानी डिलीवरी, तो गौ मुख प्रसव शांति आधे घंटे की होती है। उस समय पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना की जाती है कि बच्चे का फिर से एक बार जन्म हो रहा है, उसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये हो जाने के बाद पंडित जी सबसे पहले आप लोगों के हाथ में चावल पुष्प गंगा जल दे के संकल्प पढ़ते हैं। संकल्प के अंदर आपका नाम क्या है, माँ बाप का नाम क्या है, गोत्र क्या है, वो सबका उच्चारण करवाते हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद गणेश जी की पूजा की जाती है, कलश की पूजा की जाती है, उसके बाद मातृ का पूजन, पुण्यावाचन, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, ये सारी पूजाएं की जाती है। उसके बाद 3 खास पूजा की जाती है, रुद्र पूजन, सूर्य पूजन, चंद्र पूजन। फिर से कहूंगा, रुद्र पूजन, रुद्र यानी शिव जी का रौद्र स्वरूप, रुद्र पूजन, और ये जो कोई भी अशुभ योग बनते हैं उसमें सूर्य चंद्र का सबसे बड़ा रोल अदा होता है, तो सूर्य और चंद्र ये दोनों की भी खास पूजा करनी की जाती है। ये हो जाने के बाद 27 झाड़ के पत्ते जमा करके तोड़ के पानी के अंदर उबाले जाते हैं, और वो पानी जब ठंडा हो जाता है तो वो पानी से बच्चे का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक कैसे किया जाता है उसका भी नियम है, एक मिट्टी का कलश लिया जाए, उसको 27 खड्डे किए जाए, और वो जो पानी है 27 वनस्पति वाला वो उस मटके के अंदर डाला जाए और 27 धाराओं से बच्चे के ऊपर अभिषेक होता है। मान लो किसके पास ये व्यवस्था ना हो तो क्या करें, मटका ना हो, 27 खड्डे ना कर सके तो क्या करें, जो आटा छानने की छन्नी होती है उस छन्नी के अंदर पानी डालना चाहिए और उससे अभिषेक करना चाहिए, और उसके भी कुछ खास मंत्रोच्चार होते हैं, वो कम से कम 15-20 मिनट का अभिषेक होता है। ये अभिषेक हो जाने के बाद बच्चा अपने कपड़े चेंज कर ले, माँ बाप भी अपने कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरा जाता है लिक्विड, और उसके अंदर पंच धातु का टुकड़ा या सुवर्ण का टुकड़ा डाला जाता है,
और उसके अंदर बच्चा भी अपना मुंह देखता है, माँ बाप भी अपने मुंह देखते हैं। उस समय भी कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है कि बच्चे का जो विष्टिकण का जन्म है उसकी सारी नेगेटिविटी इस पात्र में आ जाए, जिसे हम छाया पात्र कहते हैं, और उस समय उसके माँ बाप को भी कोई दोष लगा है तो वो भी उस छाया पात्र में आ जाता है। और ये सब विधि होने के बाद फिर आखिरी में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके आशीर्वाद लेने चाहिए और फिर घर के तरफ जाना चाहिए। याद रहे जो सबसे पहला गौ मुख प्रसव शांति होती है वो भी आधे घंटे की होती है, उसमें खास वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। उसके बाद जब 27 धारा से बच्चे का अभिषेक किया जाता है 27 वनस्पतियों से, उसके भी कम से कम 15-20 मिनट तक वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। छाया पात्र के अंदर बच्चा उसके माँ बाप देखते हैं तभी भी कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं, और ये टोटल विधि 6-7 घंटे की होती है। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म विष्टिकरण में हुआ हो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। कहा जाता है कि जो भी बच्चे का जन्म विष्टिकरण में जन्म हुआ हो उसके पढ़ाई में बहुत विघ्न आते हैं। वो बच्चा बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी होने के बावजूद हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, अर्थात ग्रेजुएशन के बाद उसे जो MBA CA LLB करना चाहिए नहीं कर पाता, इंजीनियरिंग के बाद MTech करना चाहिए नहीं कर पाता। तो जो भी बच्चा पढ़ाई करता हो और उसका विष्टिकरण हो तो उसकी शांति पूजा अवश्य करे। विष्टिकरण में और एक देखा है कि अगर कोई लड़की को विष्टिकरण हो तो उसको हमेशा पेट की तकलीफ रहती है, पेट में ऑपरेशन भी आते हैं। अगर कोई लड़के का जन्म विष्टिकरण में हुआ हो तो उसके स्वभाव में जिद, खट, गुस्सा, ईगो ज्यादा होता है, उसके वजह से वो अपना काफी नुकसान कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि विष्टिकरण के बारे में काफी जानकारी दी कि वो सूर्य और छाया की पुत्री है, शनि की छोटी बहन है, और जो भद्रा है उसकी शादी कुबेर जी के साथ कराई गई थी, इसलिए उसे कुबेरी भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो विष्टिकरण है इसे शुभ नहीं मानते, और कोई भी व्यक्ति का जन्म विष्टिकरण में हुआ हो तो उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। खास करके आपने देखा होगा रक्षाबंधन के दिन भी काफी बार लोग कहते हैं कि भाई भद्रा है तो राखी न बांधे, तो उसके पीछे भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रावण की बहन सुरपंखा ने रावण को एक बार भद्रा के अंदर राखी बांधी थी, उसीलिए उसका वध हुआ। लेकिन ये कितनी सही है वो मुझे पता नहीं। प्रिय दर्शकों, और भी मैंने कहानी सुनी थी कि जो मारुत करके एक राजा था उसकी बेटी थी भद्रा, और उसकी शादी कुबेर जी से कराई थी, लेकिन वो गलत कहानी है। ओरिजिनल कहानी है सूर्य और उसकी पत्नी छाया, उसके दो बच्चे थे शनि और भद्रा। तो शनि बड़ा है, भद्रा छोटी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।